अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हम पिक एडिटिंग करने वाले हैं, एक अलग तरीके से लाइट रूम पे करेंगे, ठीक है ना। तो रिसेंटली तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया टिकटॉक पे, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है वीडियो, तो वो न्यू एक ट्रेंड बन गया, ठीक है ना। लोग बना रहे हैं और मतलब अच्छे खासे व्यूज़ लाइक आ रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियो व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं कि इसका ट्यूटोरियल बनाओ, तो मैंने सोचा इस पे बना देता हूँ। वीडियो बिल्कुल छोटी होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ जिस पे मैं फ़ोटोशॉप की एडिटिंग वीडियो आज डालूँगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें। तो गाइज पहले आपने करना क्या है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। गाइज वीडियो ये है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो मेरी ये वायरल हुई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने पिकें क्लिक की हैं दो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अटैच किया है, तो वो लोगों ने मतलब कि उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट किए काफ़ी ज़्यादा। तो जो मैंने 2 पिकें क्लिक की हैं उसको हम लेके चलेंगे लाइट रूम में, उनकी कलर ग्रेडिंग करेंगे, उसके बाद करना क्या मैं आपको बताता हूँ। हमने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया, अब हम एंड फोटो में जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पिकें मैंने क्लिक की थी, ठीक है ना। तो अब इन 2 पिकों की मैं कलर की ग्रेडिंग करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद इनकी बनेगी वीडियो, ठीक है। तो मैं आगे चल के आपको सब कुछ बताता हूँ और कैसे टिकटॉक पर लगाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जहाँ तक मुझे पता है टिकटॉक पे वीडियो कैसे वायरल होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा बड़ा टिकटॉकर ये वो। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख फ़ैन होने वाले हैं, तो मेरे पास काफ़ी ट्रिकें हैं लेकिन मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि जो बड़े स्टार होते हैं ना किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ऐसे आपको टूल नज़र नहीं आते, इसीलिए मैंने मोबाइल को रोटेट कर लिया, चलो मैंने कहा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपने जाना है कलर में, ठीक है। कलर में इसकी इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो गाइस उसके बाद आपने करना क्या है, थोड़ा इसको भी मैनेज कर देना है और इसको भी थोड़ा आगे कर देना, ठीक है। तो गाइस उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपने जाना है मिक्स में, ठीक है ना। मिक्स में जाके आपने ये है येलो, ठीक है, ये आप चेक कर लेना कलर आगे पीछे करके, ठीक है। जहाँ आपको अच्छे लगे वहाँ कलर आपने डालने हैं, देखिए। तो आगे इसके फिल्टर हैं काफ़ी और प्रीसेट भी हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा आगे चल के अगली वीडियो में, जो बनाऊंगा उसमें आपको प्रीसेट दूंगा फ्री, जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं तकरीबन कोई 30-40 है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। ये हो गया, उसके बाद जाना है आपने इस पर, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखें स्काई का कलर चेंज कर सकते हैं आप, जैसा भी आप रखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप, ठीक है। ये हो गया कलर, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं आप, ठीक है ना। इनको आपने आगे पीछे करके देख लेना है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया, उसके बाद आपने जाना है यहाँ, यहाँ जाके आपने इसको बढ़ा देना, इसको भी बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। ड्रॉ को भी डोज और थोड़ा शेडो दे देना है, वाइट, ये हो गया। चलें जी उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं फिर से कलर में, तो मिक्स में चले थे। तो गाइस देख सकते हैं आप ये येलो कलर, ये यहाँ अच्छा लग रहा है काफ़ी, तो हम येलो रखेंगे, डन कर दें। उसके बाद पिक को सेव कर लें, ठीक है। पिक को सेव करके उसके बाद
फिर से हम इस पर लगाएंगे फ़िल्टर, ठीक है। तीन चार फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद इसकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लगती है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ ये वाला फिल्टर एक लगा देते हैं, ठीक है। बड़ा कमाल का ऐप है ये, ठीक है। इसको बैक कर देंगे हम, उसके बाद जाएंगे दूसरा फिल्टर लगाएंगे कोई, सही नहीं है, ये सही है। एक हम ये फिल्टर लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चले जाते हैं हम फिल्टर एक और लगा देते हैं बस, एक ये फिल्टर लगा देते हैं। चलें जी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गाइस उसके बाद आपने इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, क्विक को, ठीक है। तो क्विक में हम वीडियो बनाएंगे, लगे पिकों की वीडियो बनानी है पहले, तो उसके बाद वो लगती हैं, ऐसे नहीं लगती, ठीक है। ये हैं तीन वीडियो, ठीक है, ये हो गया। तो गाइज आपने ऐसे करना है, ठीक है ना, तो इनकी वीडियो बना लेनी है पिकों की, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसके बाद हम इसकी थोड़ी और सेटिंग करनी है, ये देखें, ये कर लेना आपने जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, तो अगला प्रोसेस आगे चल के आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो गाइज ये हमारी सेव हो गई है, ठीक है। तो गाइज हमारी वीडियो सेव हो गई है। अब हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा स्पीड में करना है, ठीक है। ये है, ठीक है, इसको हम ले आते हैं 8 सेकेंड पे, ठीक है। मतलब इतनी स्पीड दे देनी है आपने इसको, क्योंकि टिकटॉक की वीडियो जो होती है ना वो 15 सेकेंड या 10 सेकेंड की हो तो वीडियो वायरल होती है, ठीक है। इसको थोड़ा और स्पीड दे देंगे, सॉरी 5 सेकेंड की, ठीक है, ये काफ़ी है इतनी। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम टिकटॉक ओपन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो गाइज मैंने नेट ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि मैसेज काफ़ी आएंगे, तो इसीलिए बंद किया हुआ। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड पे जाना है आपने, ठीक है। तो अपलोड पे हम जाते हैं, अपलोड पे जाके आपने करना क्या है, सिंपल सा आपने फर्स्ट वो वीडियो उठानी है जो आपकी आपने लगानी है आगे, स्क्रीन की वीडियो आपने बना देनी है। फर्स्ट आपने अपना मतलब कि जगह ढूंढनी है, ठीक है ना, उस जगह ढूंढ के वहाँ स्क्रीन की वीडियो लगा देनी है कैमरा ओपन करके, ठीक है ना। तो स्क्रीन की वीडियो लगाओगे तो फिर पिकिंग क्लिक करोगे, उससे स्क्रीन की वीडियो भी बन जाएगी और आपकी पिक्स भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद ये हमारी वीडियो, सॉरी ये हमारी वीडियो, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसको भी हम थोड़ा स्पीड दे देते हैं। यहाँ से भी आप स्पीड दे सकते हो अपनी वीडियो को, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आपने यहाँ लगाना है साउंड, ठीक है ना, साउंड लगा के आपने कोई भी जो आप लगाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप लगा के अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको
ड्राफ्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट हो गया है, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अगर आप टिकटॉक पे मतलब ये फेमस होना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यार लोग आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उनकी बातें मान रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको मशवरा दूंगा 100% वर्किंग होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर की एडिटिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल दूसरे का, वहाँ मैं अभी वीडियो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।